to all of you to my YouTube channel JNV English Empire. और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th इंग्लिश नोट्स, वो भी एज पर लेटेस्ट सिलेबस। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा सारे चैप्टर्स को कवर करने की जो आपकी पहली बुक फर्स्ट प्राइज से लिए गए हैं, एंड आई होप दैट यू विल गेन गुड मार्क्स थ्रू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, एंड योर फर्स्ट चैप्टर इज दैट इज अ लेटर टू गॉड। A letter to God, first question is, describe the character of Lencho in the light of his faith in God. Lencho ke character ko aapko vardhan karna hai, God ke faith ki roshni mein. Matlab kis tarike ka wo vishwas rakha karta tha God mein, or which kind of man was the postmaster? Ya postmaster kis tarike ka aadmi tha? What role did he play in the story? Usne story mein kaisa role play kiya? क्योंकि पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर चाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने इस क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की है। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को अ बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा? कहता है व्हाट डज इट शो हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड मैन। तो ये क्या एटीट्यूड शो करता है, मतलब बंच ऑफ क्रूक्स कहकर के कौन सा नजरिया पेश करता है उसका गॉड के लिए और आदमी के लिए। Lencho was an ox of a man. Lencho एक ox वाला आदमी था। क्यों ox वाला आदमी था? Because he worked hard like an animal in his fields. क्योंकि वो अपने खेतों में जानवरों की तरह काम किया करता था, इसीलिए उसे an ox of a man कहा गया। He was very hardworking. Seeing the raindrops, raindrops को देख करके he compared them with new silver coins. उन्हें नए silver coins के साथ उनका तुलना करता है, as क्योंकि, एंड दे वर यूजफुल फॉर गुड क्रॉप, वो उसकी फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एंड दे ऑल्सो रिसेम्बल्ड, और वो मिलते जुलते थे। रिसेम्बल्ड मीन्स लुक लाइक, तो हेयर लुक्ड लाइक, वो दिखाई पड़ते थे द क्वाइंस इन शेप एंड साइज। शेप और साइज में वो बारिश के बूंद ऐसे दिखाई पड़ रहे थे जैसे कि वो न्यू सिल्वर क्वाइन हो। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डज ही कंपेयर रेन ड्रॉप टू, किससे कंपेयर करता है। अब आगे की तरफ चलते हैं। He compares the big raindrops with 10 cent pieces. बड़े बड़े बारिश के बूंदों को 10 cent pieces के साथ कंपेयर करता है, and small ones with 5 cent pieces, और छोटे वालों को 5 cent pieces कहता है। Further, इसके बाद the hailstones destroyed his crop. ओलों ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया इसके बाद। They really resembled new silver coins. और वास्तव में ये नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। हालांकि तो वो तो कंपेयर पहले करता है कि 10 सेंट पीसेस से और 5 सेंट पीसेस से और चांदी के सिक्कों से, लेकिन वास्तव में ओले तो दिखाई ही पड़ते थे। तो लेंचोस क्रॉप, लेंचो की फसल, फील्ड्स गॉट विदर्ड, मतलब लेंचो की फसल के खेत मुरझा जाते हैं। द ट्रीज हैड शेड देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियों को बिखेर देते हैं, एंड द फ्लावर्स हैड गॉन, हैड फॉलन, और फूल भी गिर जाते हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ा लॉस था लेंचो के लिए जो उसे अब सफर करना था। लेकिन गॉड में जिसका विश्वास हो, और वो भी ना हिलने वाला विश्वास, तो गॉड उसकी मदद जरूर करता है। लेंचो हैज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। गॉड में उसका ना हिलने वाला विश्वास था जिसे कोई डगमगा नहीं सकता था। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने गॉड को एक लेटर लिखा। Because he needed 100 pieces, क्योंकि उसे 100 pieces की जरूरत थी to sow his fields, अपने खेतों को बोने के लिए, and to survive until the next crop came, और जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती तब तक survive करने के लिए उसने letter में लिखा। Seeing such faith of a man in God, God में इंसान का ऐसा विश्वास देखकर, the postmaster, an amiable fellow, postmaster जो एक friendly व्यक्ति था, मजेदार व्यक्ति था, decided Not to shake his faith. उसने decide किया कि वो उसके विश्वास को डगमगाने नहीं देगा। He collected 70 pieces with the help of post office colleagues. जो उसके post office colleagues थे, उनकी मदद की सहायता से उसने 70 pieces को collect कर लिया in the name of charity, दान के नाम पर सबसे ये collection किया। He also gave a part of his own salary. उसने अपनी खुद की salary का एक हिस्सा दिया। Lencho got angry. लेंचो नाराज हो गया, गेटिंग 70 pieces पाकर के वो बहुत नाराज हुआ। क्यों? He wrote another letter to God. उसने गॉड को एक और खत लिखा, to send rest
मनी, बाकी पैसे भेजने के लिए, और वो बाकी पैसे कितने थे, 30 pieces, क्योंकि उसे 70 pieces मिल गए थे, जैसा कि उसने 100 pieces की डिमांड करी थी अपने खेत को बोने के लिए और सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जब तक अगली फसल नहीं आ जाती। लेकिन मिले कितने, सिर्फ 70 pieces मिले, जिसमें 30 कम थे, इसलिए उसने फिर दोबारा खत लिखा, बट नॉट बाई मेल। लेकिन उसने ये लिखा कि मेल से मत भेजना, गॉड से कहा, एज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एक क्रूक्स का बंच है, गुच्छा है, दुष्टों का, मतलब डिसऑनेस्ट मैन है, कहने का मतलब ये हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन पीसेस, कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने उसके 30 pieces को चुरा लिया था, बिकॉज गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, क्योंकि गॉड एक ऐसी गलती नहीं कर सकता किसी भी हालत में, nor could he have denied Lincho, ना ही वो Lincho को मना कर सकता था, what he had requested, जिस चीज के लिए उसने request करी थी। So my dear students, it's a very nice chapter. So अगला chapter आपका बहुत ही important है, और वाकई इतने अच्छे उसमें आपको phrases मिलेंगे जिन्हें आपको illustrate करना पड़ेगा, जिसको explain करना पड़ेगा, और explain करते हुए लेकिन याद रखना है कि इसकी importance को समझना है। Chapter थोड़ा सा difficult है, but I have explained it in a very easy way. Try to understand and enjoy this story. Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. ये आपका Nelson Mandela ने chapter लिखा है, A Long Walk to Freedom, याद रखना है name इसका. Illustrate the following terms, नीचे दिए हुए terms को illustrate करना है, phrases, वाक्यांशों को करना है, quotations को explain करना है. आप जानते हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कैसे भी घुमाकर पूछा जाए, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या होता है, व्हाट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर फॉर मंडेला, अगर ये पूछ लिया जाए कि हाउ डिड इट अफेक्ट इट्स पीपल, कि इसके लोगों को किस तरीके से इसने प्रभावित किया, तो व्हाट वाज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट क्या थे, तो इन सब क्वेश्चंस का रिप्लाई एक ही होगा, अगर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है लाइफ में, तो आपको यू हैव टू राइट दिस आंसर, वो आंसर लिखना है आपको, द व्हाइट ऑप्रेस्ड द ब्लैक, तो जो गोरे लोग थे वो काले लोगों का शोषण किया करते थे, दे सफर्ड अ लॉट, उन्हें बहुत तकलीफ होती थी जो ब्लैक वाले थे, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की वजह से, क्योंकि काले गोरे का भेद होता था, गोरों को प्रिफरेंस दिया जाता था, और जबकि इन्हें क्या होता था कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसकी वजह से बड़ी तकलीफ होती थी, टॉर्चर किया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया जाता था, बिकॉज दे हैड टू फेस द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, इन्हें अपार्थेड की पॉलिसी का फेवर करना पड़ता था, और इसी अपार्थेड की पॉलिसी के बेस पे इनके साथ भेदभाव, टॉर्चर और एक्सप्लॉयटेशन होता था। द अपार्थेड सिस्टम वॉज That was prevalent in South Africa, जो South Africa में समाहित था under the previous leadership, जो previous leadership थी white की, तो उसकी वजह से ये problems होती थी। People of color were treated unfairly, जो color वाले लोग होते थे, it means black people. Black people को बहुत ही unfairly व्यवहार, उनके साथ व्यवहार किया जाता था, सही व्यवहार नहीं किया जाता था। No human being deserves that, और कोई भी इंसान इसके deserve नहीं करता है, इतना बुरा व्यवहार होता था। He stood against the unjust practice. Nelson Mandela क्या हुआ? जो अन्याय वाली practices थी, उनके खिलाफ खड़े हुए। Finally won the democratic elections. आखिर में उन्होंने democratic elections को जीता and became the first black president of South Africa. और South Africa के पहले black president बने। He refers to this win. और वो इस जीत को रिफर करते हैं एज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, इसका भी जिक्र आ सकता है कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है मंडेला के नजरिए से, देन यू हैव टू राइट दिस आंसर, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। तो ये ग्लोरियस ह्यूमन टू टॉक अबाउट ट्विन ओब्लिगेशंस, हमारे दो फर्ज, हमारी दो जिम्मेदारियां। मंडेला मेंशंस द फर्स्ट ओब्लिगेशन टू फैमिली, वाइफ एंड चिल्ड्रेन। मंडेला कहते हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी जो हमारी है, हमारे परिवार के लिए, हमारी वाइफ के लिए और हमारे बच्चों के लिए, यह आपकी फर्स्ट ओब्लिगेशन होती है अकॉर्डिंग टू Nelson Mandela। द सेकेंड ओब्लिगेशन इज टू पीपल, और दूसरी जो आपका फर्ज और जिम्मेदारी है वो आपके लोगों के लिए, कि आप अपने लोगों की मदद करें, हिज सोसाइटी और उसके समाज के लिए और उसके देश के लिए। मतलब सेकेंड ओब्लिगेशन अगर आपकी है तो आपकी अपने लोगों,
अपनी समाज और अपने देश के लिए होती है, और देश के लिए और समाज के लोगों के लिए कुछ करने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। करेज मीन्स टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब है, हिम्मत का क्या मतलब है? करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब यह नहीं कि डर की अनुपस्थिति होती है, कि डर नहीं तो हम हिम्मती हैं, तो बट ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन इसके ऊपर जीत है। एज मंडेला शोड करेज टू गेन फ्रीडम, जैसे कि मंडेला ने हिम्मत दिखाई, करेज दिखाई आजादी को प्राप्त करने के लिए। अ मैन हु इज करेजियस, एक आदमी जो हिम्मती होता है, इज द वन, वो एक ऐसा शख्स होता है हु हैज ओवरकम हिज फियर, जिसने अपने डर के ऊपर जीत पाई है। टू फाइट ऑल ओड्स, सारी मतलब विरोधाभास के ऊपर, सारी एडवर्सिटीज के ऊपर विजय पाई, उससे लड़ करके डर के ऊपर जीत पाई। तो ये आपका होता है करेज का मतलब। करेज का ये मतलब नहीं कि डर की अनुपस्थिति, आप हिम्मत करिए, हिम्मत से लड़िए। द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ करेक्टर। मंडेला ये कहते हैं कि शोषण की गहराइयां उत्पन्न करती हैं श्रेष्ठ करेक्टर को, श्रेष्ठ उत्तम करेक्टर को पैदा करती है, उत्तम चरित्र वाले लोग पैदा होते हैं। और यही सच है, जब जुल्म इस हद तक बढ़ जाता है कि इंसान को यह महसूस होने लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाना है, तब वहां पर श्रेष्ठ करेक्टर पैदा होते हैं और वो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। द मोर वन इज ऑप्रेस्ड, एक आदमी को जितना शोषित किया जाता है, द मोर वन बिकम स्ट्रॉन्ग, उतना ही इंसान मजबूत हो जाता है। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ये ऑपरेशन के कई साल, कई दसियों साल प्रोड्यूस मेनी पैट्रियट्स इन हिज कंट्री, उसके देश में कई देशभक्तों को पैदा किया, लाइक ओलिवर टॉम्बोस, यूसुफ डेडोस एक्सेट्रा। ऑल ऑफ देम हैड इमर्स्ड, ये सारे के सारे उत्पन्न हुए, केम आउट, बाहर आए एज फ्रीडम फाइटर्स, आजादी के फाइटर्स के तौर पर, आफ्टर इयर्स ऑफ ऑपरेशन, कई साल के शोषण के बाद, एंड ब्रूटिलिटी, और जानवरों की तरह अत्याचार सहने के बाद ये महान कैरेक्टर्स देशभक्त सामने आए। हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ, आजादी के लिए जो भूख थी उसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हिज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग बॉय, जो आजादी के लिए भूख थी उसने उन्हें एक डरे हुए लड़के से टू बोल्ड वन, बहादुर बना दिया, एंड फ्रॉम अ लाइफ लविंग मैन, और एक जिंदगी को चाहने वाले आदमी से एक भिक्षुक बना दिया। जो डर कर रहने वाला लड़का था वो ब्रेव बन गया, और जो एक प्यार को लाइफ लविंग हस्बैंड जो था एक भिक्षुक में बदल गया। ये थी आजादी के लिए उनकी भूख। ही प्रीफर्ड द फ्रीडम टू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, वो एक डिग्निटी वाली और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान वाली जिंदगी को पसंद करने लगे, रादर देन ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ स्विमिंग, अपेक्षाकृत जो छड़ी का आजादी होती है तैरने की, रनिंग दौड़ने की, स्टेइंग आउट इन द नाइट, रात में बाहर ठहरने की आजादी। उस आजादी से अच्छी कौन सी आजादी चाहते थे, डिग्निटी वाली आजादी और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली आजादी। ही सैक्रिफाइस्ड हिज इंटायर लाइफ फॉर फाइटिंग फॉर द बेसिक्स फंडामेंटल राइट्स, उन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया आधारभूत सिद्धांतों के लिए, फॉर हिज कम्युनिटी, अपने समाज के आधारभूत राइट्स के लिए लड़ने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। एंड योर लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, ऑपरेसर इज नॉट फ्री को लेकर, द ऑपरेसर इज द प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, जो ऑपरेसर शोषण करने वाला होता है वो नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, और वो पीछे बंद होता है प्रिजुडिस की दीवारों के पीछे, नैरो माइंडेडनेस और संकीर्ण विचारधाराओं के पीछे कैद होता है। As soon as the oppressor ropes the oppressed, जैसे ही शोषण करने वाला शोषित को लूटता है उसकी आजादी से, he himself is also robbed of his humanity, तो वो अपनी मानवता से लूट जाता है। तो इस तरीके से it was your last question, going to discuss about the next chapter, that is his first flight, उसकी पहली उड़ान। Why was the young seagull afraid to fly? उस यंग सीगल को, छोटे से सीगल को उड़ने से क्यों डर लगता था? डू यू थिंक दैट अ ह्यूमन बीइंग आल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? क्या आपको ये लगता है कि इंसान पाता है इसे एक चैलेंज अपना पहला कदम उठाने में, और पहला कदम उठाना ही चैलेंज होता है? द साइट ऑफ फूड मैडेंड द यंग सीगल, आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खाने के दृश्य ने यंग सीगल को पागल कर दिया। What does this suggest? इसका क्या मतलब है?
व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई, और किस चीज ने बाध्य किया, यंग सीगल को फोर्स किया, कंपेल किया उड़ने के लिए। अ चैलेंज टू टेक फर्स्ट स्टेप इज डिफिकल्ट, और पहला कदम उठाने का जो चैलेंज होता है ये मुश्किल होता है फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। वेदर वेदर अ मैन और एनिमल, चाहे एक इंसान हो या जानवर हो, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उस जवान उस छोटे से सीगल को उड़ने से डर लगता था, बिकॉज ही हैड नो करेज टू फ्लाई, क्योंकि उसके अंदर उड़ने की हिम्मत नहीं थी। ही थॉट, वो सोचता था, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके पर उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, सो ही कुड नॉट गैदर द करेज टू फ्लाई, इसीलिए वो मस्टर अपना कर सका, गैदर ने कर सका, इकट्ठा ना कर सका हिम्मत को उड़ने के लिए, उड़ने की हिम्मत ना जुटा सका। वेन हिज मदर ब्रॉट हिम अ पीस ऑफ फिश, और जब उसकी माँ उसके लिए एक मछली का टुकड़ा लेकर के आई, ही डाइव्ड, उसने उस पर डाइव लगा दी, बिकॉज द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, क्योंकि खाने के दृश्य ने उसे पागल कर दिया, एज ही हैड बीन हंग्री फॉर 24 आवर्स, क्योंकि वो 12 घंटों से भूखा था। ही स्टार्टेड टू फॉल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिरने लगा। विंड रस्ट अगेंस्ट हिज फेदर्स, और हवा जो थी उसके परों से दौड़ने लगी, टकराने लगी, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और उसके पर बाहर की तरफ फैल गए। ही स्टार्टेड टू सोर ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे उड़ने लगा। हैड नो फियर, अब उसे कोई डर नहीं था। ही स्टार्टेड टू डाइव, उसने डाइव लगाना स्टार्ट किया, सोर करना स्टार्ट किया, कर्व बना के उड़ना स्टार्ट किया। वेन इज बैली टच द ग्रीन फ्लोरिंग ऑफ द सी, और जब उसके पेट ने टच किया हरे समुद्र के फर्श को, हरे फर्श को समुद्र के जब टच किया, तब उसे डर लगा क्योंकि उसके पैर वाटर के अंदर चले गए। तो ही लर्न्ड, लेकिन फिर उसके बाद वो रुक गया जब उसकी बैली ने टच किया। ही लर्न्ड, उसने सीखा टू फ्लोट, तैरना सीख गया। दस ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान को किया, एंड ओवरकम हिज फियर, और अपने डर के ऊपर जीत पाया। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रॉम द चैप्टर दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन, यह ब्लैक एरोप्लेन, तो आई टेक द रिस्क, मैं ये रिस्क लूंगा। व्हाट वाज द रिस्क, ये रिस्क कौन सा था, व्हाट डज द नरेटर टेक इट, और नरेटर इसे क्यों लेता है ये रिस्क। डिस्क्राइब नरेटर्स एक्सपीरियंस, और नरेटर के अनुभव का वर्णन करिए। एज ही फ्लू द एरोप्लेन, जब उसने एरोप्लेन उड़ाया तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक स्ट्रेंजली एट द नरेटर, किस चीज ने, जो कंट्रोल सेंटर में औरत थी, वो नरेटर की तरफ विचित्रता से देखने लगी, सरप्राइज के साथ देखने लगी, ये क्या बात कर रहा है। क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन जो आपका चैप्टर है, इट इज अ मिस्ट्री, ये एक राज है, क्या वाकई में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, चलते देखते हैं। द पायलट सॉ द ब्लैक स्टॉर्म्स, पायलट ने काले बादल देखे, तूफान के काले बादल देखे। इन फ्रंट ऑफ हिज एरोप्लेन, अपने एरोप्लेन के सामने उसने ऐसे बादल देखे। ही डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई ओवर और अराउंड द क्लाउड्स, ना ही उसके पास इतना तेल नहीं था कि फ्लाई ओवर, कि ऊपर से उड़ जाए और अराउंड या चारों तरफ से, ओके, लेफ्ट और राइट से चला जाए, इतना उसके पास फ्यूल नहीं था। टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ के अराउंड चला जाए। He took risk to fly. उसने उड़ने का रिस्क लिया। That the old Dakota straight into the storm. उसने अपने पुराने Dakota को सीधा storm में डाल दिया, fly कर दिया। Because he wanted to go home. क्योंकि वो घर जाना चाहता था। To have English breakfast with his family. और अपने परिवार के साथ English breakfast लेना चाहता था। इसलिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया। His plane began to twist. उसका प्लेन मुड़ने लगा। Jump in the air. हवा में जंप लगाने लगा। He lost his contact. As all instruments stop working, उसने कॉन्टैक्ट खो दिया नीचे कंट्रोल रूम से, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो गए काम करना। सडनली द ब्लैक एरोप्लेन appeared फ्रॉम नोवेयर, अचानक कहीं से, कहीं नहीं से एक एरोप्लेन आ गया, पता नहीं कहां से आ गया। Asked him to follow, और उस डेकोटा के पायलट से कहा कि आप मुझे फॉलो करिए, मेरे पीछे आइए। गाइडेड हिम टू द एयरपोर्ट, उसे एयरपोर्ट के लिए गाइड किया। फॉर लैंडिंग ऑन द रनवे, रनवे पर अब वो लैंड कर गया था। When the pilot went to the control room to thank the pilot, और जब पायलट कंट्रोल रूम गया उस पायलट को, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को शुक्रिया कहने के लिए, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में जो औरत थी, लुक्ड एट द नरेटर, नरेटर की तरफ देखा स्ट्रेंजली,
स्ट्रेंजली देखा विचित्र तरीके से व्हेन ही आस्क्ड अबाउट द अदर पायलट, जब उसने दूसरे पायलट के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। दैट हेल्प हिम टू स्केप द स्टॉर्म, जिसने उसकी मदद करी थी तूफान से बच निकलने के लिए। द वुमेन ऑफ द कंट्रोल सेंटर टोल्ड, लेकिन जो औरत थी कंट्रोल सेंटर में उसने बताया दैट नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट, कि उस रात कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था। ओनली हिज प्लेन वॉज सीन ऑन द रडार, रडार पे सिर्फ उसका प्लेन था उस रात। तो ये एक स्टोरी, एक मिस्ट्री है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान ऐसी मुश्किलात में फंस जाता है तो जो उसका कंसाइंस होता है, उसकी अंतरात्मा होती है या उसका माइंड होता है, ऐसे इमेजिनरी कैरेक्टर को उत्पन्न कर देता है जिसको वो फॉलो करने लगता है। तो शायद ये भी हो सकता है कि उसके मन का ये वहम हो, ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन हो ही ना। अबाउट किटी, मिस्टर कीजिंग एंड हिज असाइनमेंट्स गिवन टू एन फ्रैंक। अब हम बात करते हैं यहां पर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक की डायरी से, जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि इट वॉज अ नॉवेल। ये एक नॉवेल थी जो पहले आपके सिलेबस में थी, अभी नॉवेल तो नहीं सिलेबस में, लेकिन ये चैप्टर के तौर पर अभी भी है। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एन, तो मिस्टर कीजिंग एन के साथ नाराज क्यों रहते थे एन फ्रैंक के साथ। What did he ask her to do? वो उसे क्या करने के लिए कहते थे? Next question आपका ऐसे भी हो सकता है कि how did Anne justify her being a chatterbox in her essay? जो essay में उसे टॉपिक दिया गया था chatterbox, उसे कैसे मतलब जस्टिफाई करती है, प्रूफ करती है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि what were the three assignments given to Anne Frank? Anne Frank को वो तीन असाइनमेंट्स कौन से दिए गए थे? What did she write to justify? और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए उसमें उसने क्या लिखा? एंड सिंस टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, एंड कहती है कि टीचर जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इलस्ट्रेट इन द कॉन्टेस्ट विद मिस्टर कीजिंग एंड एंड असाइनमेंट, तो मिस्टर कीजिंग और एंड के असाइनमेंट के संदर्भ में इसे आप मतलब प्रूफ करिए, जस्टिफाई करिए, वर्णन करिए, इलस्ट्रेट एक्सप्लेन करिए। एंड फ्रैंक वॉज अ 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, एन फ्रैंक एक 13 साल की लड़की थी। राइटिंग अ डायरी वॉज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक डायरी लिखना उसके लिए विचित्र अनुभव था। बिकॉज शी हैड नॉट रिटन एनीथिंग लाइक दैट अर्लियर, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी कुछ लिखा नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था शॉर्ट में, तो आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज शी हैड नॉट रिटन एनीथिंग लाइक दैट अर्लियर, उसने इससे पहले कभी कुछ ऐसा लिखा नहीं था, इसीलिए अनोखा अनुभव था, विचित्र अनुभव था। शी ऑल्सो थॉट, उसने ये भी सोचा था, नो बडी वुड बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल, कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा म्यूजिंग्स, कल्पनाओं में, इमेजिनेशंस में, 13 साल की लड़की की कल्पनाओं में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसीलिए वो सोच रही थी कि ये स्ट्रेंज अनुभव है। तो शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड टू कन्फाइड हर फीलिंग्स, उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिससे अपनी भावनाओं को शेयर कर सके। शी डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी, उसने फैसला किया कि वो एक डायरी को मेंटेन करेगी। बिकॉज द पेपर हैज मोर पैशंस देन पीपल, क्योंकि पेपर के अंदर ज्यादा पैशंस होता है इंसानों से। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इलस्ट्रेट करिए, व्याख्या करिए, ये कोटेशन दिया होगा द पेपर हैज मोर पैशंस देन पीपल, तब भी आपको यू हैव टू राइट ऑल दिस, ये सब कुछ लिखना है आपको। तो एज इट डस नॉट डिस्क्लोज एनी सीक्रेट लाइक इंपेशेंट फ्रेंड्स, अधैर्य दोस्त की तरह ये किसी के राज को नहीं खोलता। दोस्त को बताएंगे, दोस्त दूसरे को बता देगा, क्योंकि ज्यादातर दोस्त अधैर्य होते हैं, इसीलिए उसने कहा कि वो एक डायरी लिखेगी। शी नेम्ड हर डायरी किटी, उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि उसने डायरी क्यों चूज किया, डायरी को एक फ्रेंड बनाना। तो यू कैन राइट ऑल दिस, आपको यही सब लिखना है। ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट असाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसके साथ जोड़ करके भी पूछा जा सकता है। मिस्टर कीजिंग एंड मैथमेटिक्स टीचर यूज टू गेट एंग्री एट एन फ्रैंक, एन फ्रैंक पर नाराज हो जाते थे बिकॉज शी टॉक टू मच इन द क्लास, क्लास में बहुत बातें करती थी। ही असाइंड एन एसे अ चैटर बॉक्स, उन्होंने उसे एक एसे दिया जिसका टाइटल था चैटर बॉक्स, विच ही जस्टिफाइड, जिसने उसे जस्टिफाई किया ये बताते हुए एज इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक फ्रॉम हर मदर, क्योंकि ये उसकी अनुवांशिकता वाली या विरासत वाली विशेषता है जो उसकी माँ से उसने ली है, क्योंकि उसकी माँ भी, हर मदर टॉक्ड एज मच एज शी, उसकी माँ भी उतनी ज्यादा बातें करती थी जितनी एनी फ्रैंक करती है, तो माँ से मिला है ये।
एंड आर स्टूडेंट्स ग्रेट। और उसने ये भी बताया कि ये एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है बातें करना, इसलिए वो बातें करती है। व्हेन एन फ्रैंक कुड नॉट हेल्प हरसेल्फ बीइंग टॉकटिव, जब एन फ्रैंक अपने आप को बातूनी होने से ना रोक सकी, मिस्टर कीजिंग गेव सेकेंड असाइनमेंट। मिस्टर कीजिंग ने उसे एक सेकेंड असाइनमेंट दिया जो था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, जिसका नाम था विच ही ऑल्सो जस्टिफाइड। उसने इसे भी जस्टिफाई किया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसमें क्या लिखा। इनकरेजिबल चटर बॉक्स, ला इलाज चटर बॉक्स, ला इलाज बातूनी। तो इसके बारे में, ऑन थर्ड रिपीटेड टॉक्टिव बिहेवियर, ऑन हर रिपीटेड टॉक्टिव बिहेवियर, जब उसका बिहेवियर टॉक्टिव होता रहा, रिपीट होता रहा कि नहीं बातें करना बंद नहीं किया, शी वॉज असाइंड थर्ड एसे, क्वैक 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 सेड मिस्टर चटर बॉक्स। तो उसे तीसरा एसे दिया गया जो था क्वैक 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 सेड मिस्टर चटर बॉक्स। विच शी रोट इन अ वर्स, जिसे उसने कविता में लिखा, क्या लिखा, विच शी रोट इन अ वर्स, जिसने एक कविता में, पोएम में ये लिखा, विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैम, अपने दोस्त सैम की मदद से। दिस पोएम वॉज अबाउट अ फादर स्वान, ये पोएम जो थी एक फादर स्वान के बारे में, कॉमा मदर डक के बारे में, एंड थ्री बेबी डकलिंग्स के बारे में थी। मतलब एक फादर स्वान थे, एक माँ बतख थी, और उनके तीन बेबी डकलिंग्स थे। द फादर स्वान किल्ड देम, फादर स्वान ने उन्हें मार डाला, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वैक 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 करा करते थे। तो इस बात को एन फ्रैंक ने प्रूफ किया कि मतलब हम क्वैक क्वैक करते हैं तो मारना नहीं चाहिए। तो राइट वे में मिस्टर कीजिंग ने इस मजाक को लिया, और आज भी कभी कभी उसे छेड़ा करते हैं इस मजाक को लेकर के। एंड योर नेक्स्ट चैप्टर इज द 100 रेसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट, वांडा कहाँ बैठती थी क्लासरूम में और क्यों बैठा करती थी। वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज, आपको क्या लगता है कि ये इस किस तरीके का प्लेस है। वांडा यूज टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ अ क्लासरूम, क्लासरूम के कोने में बैठा करती थी, रूम नंबर 13 में। ओके, यू विल हैव टू रिमेंबर द रूम नंबर 13 भी याद रखना है। वेयर द रफ बॉयज सेट, जहां पर भद्दे लड़के बैठा करते थे, द बॉयज हु गॉट लोएस्ट मार्क्स, उस कोने में। तो वहां पर लड़के जो बैठते थे उसके साथ में बहुत ही कम नंबर, सबसे कम नंबर लिया करते थे। एंड हैड, और रखा करते थे, लाउडेस्ट लाफ्टर, जब कोई फनी बात कही जाती थी तो तेज तेज हंसने लगते थे। शी हैड टू सीट देयर, उसे वहां बैठना पड़ता था। क्यों बैठना पड़ता था, बिकॉज ऑफ द डर्ट, उस धूल की वजह से, दैट हर शूज कैरीड फ्रॉम ऑल द मड ऑन द वे फ्रॉम बोगिन साइट्स, क्योंकि वो बोगिन साइट्स एक जगह से आती थी, वहां पर कच्चा रास्ता था, उस कच्चे रास्ते की जो सूखी हुई कीचड़ होती थी, धूल होती थी, उसके शूज को कैरी करके लाया करती थी, इसलिए वो लास्ट में बैठा करती थी। अ पार्ट ऑफ द सिटी और टाउन, ये बोगिन साइट्स शहर का या कस्बे का एक ऐसा हिस्सा था, वेयर पुअर पीपल लिव्ड, जहां गरीब लोग रहा करते थे, इसलिए बेचारी उस रूम नंबर 13 के एक कॉर्नर में बैठा करती थी, नेक्स्ट टू लास्ट रो, मतलब बैठा करती थी। When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? Peggy और Maddie ने Wanda की अनुपस्थिति को कब नोट किया? On Wednesday, Peggy and Maddie noticed Wanda was missing. इस बात को नोटिस किया कि Wanda missing थी। They had been waiting for her outside school. वो उसका इंतजार कर रहे थे, स्कूल के बाहर खड़ी हुई दोनों इंतजार कर रही थी। बिफोर द स्कूल बिगेन, स्कूल शुरू होने से पहले, जैसे कि वो डेली खड़ी हुआ करती थी कि Wanda का मजाक बनाएंगे जब Wanda पेट्रोस्की आएगी। लेकिन एज शी डिड नॉट कम, जैसा कि वो नहीं आई, दे इवन गॉट लेट टू स्कूल, और वो उसका इंतजार करते करते स्कूल के लिए भी लेट हो गए थे। तो इट वॉज देन दैट दे रियलाइज्ड हर अब्सेंस फ्रॉम द स्कूल, इसीलिए उन्होंने उसकी अनुपस्थिति को स्कूल से नोटिस किया कि आज वो नहीं आई, क्योंकि उसके चक्कर में दोनों खुद लेट हो गए मजाक करने के चक्कर में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या वाकई वांडा के पास 100 ड्रेसेस थी। व्हाई डिड शी से सो, वो ऐसा क्यों कहती थी। वांडा सेड शी हैड 100 ड्रेसेस, वांडा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, बिकॉज शी हैड इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके उसके साथ हीन भावना थी, उसे हीन भावना थी। शी हैड दोस ड्रेसेस ऑन पेपर्स, हाँ उसके पास ये ड्रेसेस पेपर में तो थी। सो शी वोन ड्राइंग कॉन्टेस्ट, इसीलिए ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था। पैगी एंड मैडी यूज टू मेक अ फन ऑफ वांडा, पैगी एंड मैडी वांडा का मजाक बनाया करती थी, बिकॉज दे थॉट, क्योंकि वो सोचा करती थी दैट वांडा वॉज टेलिंग ए लाई, कि वांडा झूठ बोल रही है। शी हैड अ लॉन्ग नेम,
और दूसरी वजह ये थी कि उसका लंबा सा नाम था। वो झूठ बोल रही थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, क्योंकि वो एक ब्लू फेडेड ड्रेस को पहनकर डेली आया करती थी। Why did Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? मैडी क्यों पैगी से कहती है कि वांडा को परेशान करना बंद कर दो? What was she afraid of? उसे किस चीज का डर था? What important decision did Maddie make? मैडी ने कौन सा important decision लिया? तो why did she have to think hard to do so? उसे इतना सोचना क्यों पड़ा ये सब सोचने के लिए? मैडी did not ask Peggy. मैडी पैगी से नहीं पूछती थी to stop. मैडी ने पैगी से नहीं कहा कि वांडा को परेशान करना बंद करो, because she was too poor, क्योंकि वो भी गरीब थी, she too was poor, वो भी गरीब थी, इसीलिए हिम्मत नहीं जुटा पाई कि पैगी से कहे कि उसे भाई परेशान करना बंद करो। she feared, उसे डर लगता था। she could be the next target of the girls, वो लड़कियों का अगला टारगेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि as मैडी को हिम्मत नहीं जुटा पाई थी कि वो पैगी से कहे कि वांडा को टीज करना, परेशान करना बंद करो, क्योंकि वो पहना करती थी हैंड्स डाउन क्लॉथ्स गिवन बाय पैगी, पैगी के द्वारा दिए हुए उतरन हैंड्स डाउन वॉर्न आउट ड्रेसेस को पहना करती थी। शी वॉज एफ्रेड, उसे डर लगता था दैट इफ दे डिड नॉट टीज वांडा, अगर वो वांडा को परेशान नहीं करेंगे देन प्रोबेबली तब सामान्यता दे वुड स्टार्ट टीजिंग हर, वो मैडी को परेशान करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैडी भी उतनी ही गरीब थी। बट शी रियलाइज्ड, लेकिन उसे एहसास हुआ दैट रिमेनिंग साइलेंट, कि चुप रहना, व्हाइल पैगी टीज्ड वांडा, जब पैगी वांडा को परेशान करती थी, वाज अ मिस्टेक, की गलती थी, बिकॉज शी हैड बीन अ पार्ट ऑफ द गेम, वो उस गेम का हिस्सा रही थी, ऑन बींग साइलेंट, चुपचाप रह करके, तो चुप नहीं रहना है, अब अपोज करना है। वेन दे लर्न, जब उन्हीं ने सीखा That Petronsky's had finally moved away. कि Petronsky's आखिरकार चले गए। Maddie could not stop thinking. Maddie अपने आप को रोक ना सकी सोचने से about never being able to say sorry. क्योंकि वो sorry नहीं कह पाई थी। Wanda Petronsky को उसे बड़ा अफसोस था। She couldn't sleep that night. वो उस रात ना सो सकी। As she was thinking too deeply. क्योंकि वो बहुत गहराई से उनके बारे में सोच रही थी। और अब उसने फैसला कर लिया था कि भले दोस्ती चली जाए, लेकिन वो पैगी का अपोज करेगी अगर वो किसी लड़की को नेक्स्ट टारगेट बनाती है। योर नेक्स्ट चैप्टर इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर ऑफ गोवा इज नोन एज पैडर। यू नो, हर जगह हर किसी के नाम होते हैं, तो यहां पर बेकर को क्या कहा जाता है? पैडर गोवा में कहा जाता है। ही वियर्स अ पिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई, और वो एक खास ड्रेस को पहनता है जिसे कबाई कहते हैं। तो कबाई होती कैसी है? अ सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक, एक सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक होता है, रीचिंग टू द नीज, घुटनों तक पहुंचता हुआ, तो शॉर्टर देन यूजुअल पैंट्स, जैसे यूजुअल पैंट्स होती है हमारी कैप्रीज होती है, उससे ज्यादा शॉर्ट। ही हैज अ जैक फ्रूट लाइक अपियरेंस, वो एक कटहल के फल की तरह उसका अपियरेंस होता है, दिखावा होता है, प्लम्प फिजिक, थुलथुला शरीर होता है, और अ वेल बिल्ट फिजिक, और उसकी अच्छी तरीके से बनावट शरीर की, अच्छी तरीके से बना हुआ शरीर होता है। ही सेल्स मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेड्स, और वो कई तरीके के ब्रेड्स बेचा करता है, तो सारे लोग उस ब्रेड्स को खाना गोवा में बहुत ही पसंद करते हैं। द स्वीट ब्रेड फॉर मैरिज इज कॉल्ड बोल, और जो स्वीट ब्रेड होता है मैरिज के लिए उसे बोल कहते हैं, ठीक है? और मैरिज में वैसे भी बोलने की आवाज आती है, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जो स्वीट ब्रेड है उसे बोल कहते हैं, ठीक है? ब्रेड इज यूज्ड ऑन द अकेजन ऑफ पार्टी और फीस्ट, ब्रेड का यूज पार्टी या दावत में किया जाता है। जिस पार्टी या दावत में आप जाएंगे तो आपको वहां पर ब्रेड ही मिलेगा, और ऐसा ब्रेड नहीं होता हमारे वहां की तरह विदाउट टेस्ट, इट वुड बी टेस्टी जस्ट लाइक केक। Sandwiches are popular a daughter's engagement. Sandwiches are popular in a daughter's engagement. जब daughter की engagement होती है तो sandwiches बहुत famous हैं। लोग वहां sandwiches बनाते हैं, और जब लड़कियों की मंगनी होती है तो खूब दबा के खाते हैं। Cakes and bolinas, जो cakes और bolinas हुआ करते हैं, are used for Christmas. ये Christmas में बनाए जाते हैं, क्योंकि जो वहां पर कल्चर होता है ज्यादातर क्रिश्चियन कल्चर है, तो वहां पर क्या होता है कि केक्स और बोलिनहास का यूज करते हैं क्रिसमस के लिए। चिल्ड्रेन लाइक ब्रेड बैंगल्स, और बच्चे ब्रेड की बनी हुई बैंगल्स को पसंद करते हैं। बैंगल्स वैसे चूड़ियां होती हैं, लेकिन चूड़ी जैसे शेप के जो ब्रेड बनाए जाते हैं तो उन्हें ब्रेड बैंगल्स कहते हैं। एंड योर नेक्स्ट चैप्टर इज
दैट इज कुर्ग। चलिए कुर्ग के बारे में पता करते हैं। कुर्ग और कुदागु, कुर्ग या कुदागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का एक सबसे छोटा जिला है। इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैसूर और कोस्टल टाउन, कोस्टल टाउन समुद्री टाउन, मतलब समुद्री एरिया जो मैंगलोर का है उसके बीच में सिचुएटेड है। और ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, इसीलिए वी ऑल नो, हम सारे लोग जानते हैं। इट अबाउंड्स इन फ्लोरा एंड फौना, इसमें फ्लोरा और फौना, फ्लोरा आप जानते हैं, फ्लोरा वनस्पति वेजिटेशन, फौना एनिमल्स, यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं फ्लोरा और फौना। द सीजन ऑफ जॉय, और जो जॉय का सीजन है, कमेंसेस, द कमेंस मीन्स स्टार्ट, स्टार्ट होता है फ्रॉम सितंबर, सितंबर से कंटिन्यूज टू मार्च, मार्च तक कंटिन्यू रहता है। आप अगर यहां पर जाना चाहते हैं तो सितंबर में जाइए और मार्च से पहले जाइए, सितंबर से मार्च तक जॉय का सीजन मिलेगा, एंड रियली यू आर गोइंग टू एंजॉय देयर, और वाकई आप वहां पर बहुत ही एंजॉय करेंगे। कुदावस और कुर्गिस, जो कुदावस और कुर्गिस लोग होते हैं, कुर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें कुर्गिस कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हर जगह के इंडिया के इंडियंस होते हैं, ठीक। तो लखनऊ लखनवी, तो इसी तरीके से आर पॉसिबली फ्रॉम ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, ये कहते हैं कि ये ग्रीक या तो यूनानी या अरब प्रजाति के लोग हैं, मतलब ये जैसे हम लोगों को कहते हैं कि हम मिडिल एशिया से आए हैं, हमारी उत्पत्ति की बात करी जाती है इंडियंस की तो कहां के, मिडिल एशिया के, लेकिन यहां पे जो लोग रहते हैं तो ये ग्रीक या तो यूनानी हैं या अरेबिक डिसेंट के हैं। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा इन कुर्ग, कुर्ग में सेटल हो गया, मैरिड अमंग लोकल्स, वहां से लोकल बीच में शादियां कर ली, भाई जो लोग अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा, ये भी एक बात है, कहावत है। तो देयर कल्चर इज अपारेंट, उनकी संस्कृति स्पष्ट है इन मार्शियल ट्रेडिशन, उनकी मार्शियल ट्रेडिशन, मार्शियल ट्रेडिशन जिस तरीके से वो तलवारबाजी करते हैं या वेपन्स का यूज करते हैं, तो उन परंपराओं में देखा जा सकता है, मैरिजेस उनकी शादियों में, एंड रिचुअल राइट्स, और जो उनके रिचुअल कस्टम वाले रीति रिवाज जो होते हैं उसमें देखा जा सकता है। कुर्गीज वियर एन एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक कोट, और जो कुर्गीज होते हैं वो ब्लैक कोट पहनते हैं, उसके ऊपर नक्काशी की हुई होती है, नोन एज कुपिया, दैट क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की फसल के बारे में भी बात कर सकते हैं। देयर कैन बी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुर्ग में कौन सी क्रॉप होती है। कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मेन क्रॉप, मेन फसल जो है वो कॉफी है। ड्यूरिंग मानसून सीजन, मानसून सीजन में क्या होता है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ कॉफी, कॉफी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू चारों तरफ आने लगती है। जैसे हमारे वहां जब पेपरमिंट की खेती होती है तो पेपरमिंट के खेतों के पास से गुजरते हैं तो एक ठंडी ठंडी बहुत खूबसूरत अच्छी सी स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, तो इसी तरीके से कॉफी की भी फ्रेग्रेंस वहां पर आती है। कॉफी स्टेट्स विद कोलोनियल बंगलोस, कॉफी स्टेट मतलब कॉफी के पूरे पूरे स्टेट हैं, पूरे पूरे एम्पायर हैं, एरियाज हैं, विद कोलोनियल बंगलोस, वहां पर कॉलोनी टाइप के बंगलोस बने हुए हैं, तो आर अबंडेंट, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, एंड इवन प्रोवाइड होम स्टेज फॉर विजिटर, और विजिटर के लिए होम स्टेज भी प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर आप वहां पर जाएं और ठहरना चाहें तो इन कॉलोनियल बंगलोस में ठहर सकते हैं, टू एक्सपीरियंस द कुर्गी वे ऑफ लाइफ, और वहां पर आप अनुभव करेंगे कुर्गी वे ऑफ लाइफ का कि कुर्गी लोग कैसे जीते हैं। बी स्पॉटेड, सॉरी इट्स समथिंग रॉन्ग हियर, नेक्स्ट नेक्स्ट में चलते हैं। द स्पोर्ट्स इन कुर्ग, कुर्ग में कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था जब आपको चैप्टर पढ़ाया था। A variety of high energy adventure activities, बहुत ज्यादा high energy वाली activities are offered to tourists, tourist को offer की जाती है, like river rafting, river rafting करिए, ठीक, उसमें डाल लीजिए अपना boat और खेते हुए चले जाइए, canoeing, canoeing कर सकते हैं, जो boat होती है उन्हें खेते हुए ले जा सकते हैं, rappelling कर सकते हैं, rock climbing कर सकते हैं, mountain biking भी यहाँ पर कर सकते हैं, आप bike लीजिए और mountain पे चढ़ा जाइए, बस गिर मत जाइएगा। ट्रैकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस एक्टिविटीज, जो ट्रैकिंग होती है वो भी बहुत ज्यादा फेमस एक्टिविटी होती है, पहाड़ों पर चढ़ना, ठीक है ना, पैदल चढ़ना। द एनिमल्स इन कुर्ग, कुर्ग में बहुत ज्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, फिशेस लाइक महाशीर, महाशीर जैसी मछलियां आर फाउंड इन द वॉटर्स ऑफ रिवर कावेरी,
यहां पर कावेरी नदी बहती है, कृष्णा कावेरी, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम, कौन सी नदी बहती है, कावेरी बहती है। तो बर्ड्स लाइक किंगफिशर, और किंगफिशर जैसी जो चिड़िया होती है, रेड कलर की एक बर्ड होती है किंगफिशर, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, एंड अदर एनिमल्स लाइक स्क्वायरल, और स्क्वायरल जैसे दूसरे जानवर लंगूर्स, बटरफ्लाइज, बीज अकंपनी यू इन दिस एरिया, इस एरिया में ये आपका साथ देंगे, ठीक है ना। लंगूर भी देखने को मिलेंगे वहां पर, और वाइल्ड एलिफेंट्स भी देखने को मिलेंगे, वाइल्ड एलिफेंट्स कैन बी सीन एंजॉय बाथिंग इन द रिवर्स, नदियों में नहाते हुए आप देख सकते हैं। इफ यू आर ऑन द ट्रैक, अगर आप ट्रैक पर हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो आपको मैक्यूक्स, मालाबर स्क्वायरल, लंगूर्स एंड सिलेंडर लोरीज कैन बी सीन देयर, तो ये वहां पर देखे जा सकते हैं। एंड योर नेक्स्ट चैप्टर इज टी फ्रॉम आसाम, अब टी फ्रॉम आसाम की बात करते हैं, अरुण कुमार दत्ता, तो इन चैप्टर्स के राइटर्स के नेम भी आपको ध्यान रखना है कि कौन किस चैप्टर का कौन सा राइटर है। तो वहीं पर आप चलते हैं, देयर आर ओनली टू लीजेंड्स अबाउट टी फ्रॉम आसाम, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। तो राजवीर टोल्ड प्रंजोल टू लीजेंड्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी, राजवीर ने प्रंजोल को टू लीजेंड्स दो कहानियां सुनाई थी डिस्कवरी ऑफ टी के बारे में। पहली क्या थी, अ चाइनीज इंपरर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, एक चाइनीज इंपरर हमेशा पानी को उबाला करता था बिफोर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग से पहले, कुछ लोगों को होता है गर्म पानी पीने की आदत। तो वन डे अ फ्यू ट्विक्स, एक दिन कुछ टहनियां, द मीनिंग ऑफ ट्विक्स टहनियां, कुछ टहनियां फेल इनटू द वाटर एंड गेव डिलीशियस फ्लेवर, वाटर में गिर गई और वहां पर स्वादिष्ट फ्लेवर दिया, तो इट वॉज डिस्कवरी ऑफ टी, द लीव्स वर ओके, द टी लीव्स, वो जो पत्तियां थी चाय की पत्तियां थी। बोधि धर्मा एन एंसियंट बुद्धिस्ट, एक और लीजेंड है, वो लीजेंड क्या कहती है कि बोधिधर्मा एक प्राचीन बुद्धिस्ट था, कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी पलकों को काट दिया था, व्हेन ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब उसे मेडिटेशन में नींद आ गई तो पलकें ही काट डाली, 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और 10 टी प्लांट्स उन पलकों से ग्रो किए, इसीलिए तो चाय पीने के बाद नींद गायब हो जाती है, ठीक है ना, शाम को जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो चाय पीजिए, आपकी नींद गायब, बस तो बस की सवारी तो सबने करी है, तो मैडम कैसे, कौन है मैडम और कौन सी मैडम बस की सवारी करते हैं, तो इनके नोट्स को देखते हैं, और आई थिंक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द बुक, दैट इज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट बुक का आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाई वल्ली कानन, ठीक है, वल्ली कानन इसके राइटर है, तो जाहिर बात है साउथ के राइटर हैं तो कैरेक्टर भी वही के लेंगे, ठीक है ना, हमसे कहा जाए कि कौन कैरेक्टर रहेगा तो हम जैसे रुचि को डाल देंगे कैरेक्टर में, अपने स्टोरी में कोमल को डाल देंगे, गेबुला देवी को डाल देंगे, तो इस तरीके के कैरेक्टर हम डालेंगे, लेकिन वहां उन्होंने वल्ली एक कैरेक्टर डाला है जो एक लड़की है। वल्ली's favorite pastime was standing in the front doorway of her house. वल्ली का फेवरेट पास्टाइम था कि अपने सामने वाले दरवाजे पर घर के खड़ी हो जाती थी और देखा करती थी कि what was happening in the street outside, कि बाहर गली में क्या हो रहा है। जब छोटी छोटी बच्चियां घर में अकेली रहती हैं तो अक्सर दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं, घंटों देखती रहती है कि कुर्रा वाले उस रोड से कौन निकल रहा है। द साइट ऑफ द बस, और जो बस का दृश्य है, फील्ड विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर के एक न्यू सेट के साथ भरा होता था, हर बार नए पैसेंजर होते थे, वही पैसेंजर थोड़ी होते थे ज्यादातर, पैसेंजर्स चेंज होते रहते थे, और वो खड़ी हो जाती थी अपने दरजे पर। तो वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, और बल्ली के लिए ना खत्म होने वाली खुशी का सोर्स था। बस जैसे ही बस को देखा, ख्यालों में खो गई, काश मैं भी बैठी होती तो कितना मजा आता। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज, और उसकी सबसे तीव्र इच्छा वॉज टू राइड ऑन द बस, बस में सवारी करने की तीव्र इच्छा थी, बस एक बार बस पे सवारी करने को मिल जाए। जैसे आप लोगों की भी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर पूछी जाए, आप में से ज्यादातर लोग करेंगे कि आई वॉन्ट टू फ्लाई इन एन एरोप्लेन, मैं एरोप्लेन में उड़ना चाहती हूँ, वो भी एक आप लोग बस तो बैठ चुकी हो, जो बस पे नहीं बैठा वो बस पे बैठना चाहता है। शी पिक्ड अप द डिटेल्स अबाउट बस जर्नी, उसने बस जर्नी के बारे में डिटेल्स को उठाया था, इकट्ठा किया था, कैसे इकट्ठा किया था, दैट टाउन वॉज 6 miles अवे, ओके, व्हाट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द टाउन फ्रॉम हर विलेज, द टाउन वॉज 6 miles अवे, 6 मील दूर था टाउन। शी पिक्ड अप द डिटेल्स, ओके, एंड इट टुक 45 मिनट्स,
कितने मिनट लगते थे? 45 मिनट्स लगा करते थे वहां पहुंचने में. टाउन वॉज 6 miles अवे. ओके, अच्छी तरीके से याद रखना है. और क्या होता था, 45 मिनट्स लगते थे. शी मैनेज टू सेव 60 paise. उसने 60 paise बचा लिए थे. 60 paise, 60 paise वॉज अ बिग सम एट दैट टाइम. जब ये स्टोरी लिखी गई थी तो उस समय 60 paise बहुत बड़ी सम हुआ करती थी. यहां आज आप 60 rupees मान सकते हैं, लेकिन आंसर में आपको 60 paise ही लिखना है. 30 paise फॉर वन वे जर्नी. एक वे जर्नी के कितने पैसे लगते थे? 30 paise लगा करते थे. ओके, बाय रेजिस्टिंग, कैसे इकट्ठा करे थे वो 60 paise? रोक करके, टेम्पटेशन, लालच. फॉर पेपरमिंट, पेपरमिंट की लालच, पेपरमिंट की वो आती है ना बनी हुई, जो उस दिन हमने आपको खिलाई थी, राउंड एंड राउंड पॉप्स, ठीक है ना, तो उससे रोका था अपने आपको. ट्वाइस बैलून्स, एज वेल एज लीविंग अ डिजायर टू राइट ऑन मैरी गो राउंड. और वो झूले में भी नहीं गई थी झूलने के लिए जब गांव में लगा था. इस तरीके से शी सेव्ड 60 paise. कितने पैसे बचाए थे? 60 paise उसने बचाए थे. और 60 paise बचाने के बाद क्या किया, क्या किया होगा? बस में चढ़ गई. और फिर क्या हुआ? द कंडक्टर वॉज जोकिंग शॉर्ट ऑफ फेलो. जो कंडक्टर था वो जोकिंग शॉर्ट ऑफ फेलो था, मजाकिया आदमी था. सो ही कॉल्ड वल्ली एज अ ग्रोन अप मैडम. हमेशा वल्ली को क्या कहता था, जैसे कोई बोली मैडम, मैडम कह के बुलाया करता था. ऑन अर वे टू सिटी, शहर में अपने रास्ते पर, शी लॉस्ट एट द काउ रनिंग बिफोर द बस. बस के सामने एक गाय दौड़ रही थी तो उसे देख करके वो हंसने लगी. ओके, बस को देखकर वो हंसने लगी. बट शी बिकेम सैड, लेकिन वो उदास हो गई. ऑन अर रिटर्निंग जर्नी, अपनी लौटती हुई यात्रा पर, वापसी पर, टू सी द डेड काउ, जब उसने डेड काउ को देखा. इट वॉज द सेम काउ दैट वॉज रनिंग बिफोर द बस. जो बस के सामने दौड़ रही थी ये वही काउ थी. और नाउ कहते हैं कि इट डाइड, अब ये मर चुकी थी. इट वॉज द सेम काउ फुल ऑफ हैप्पीनेस, ये वही गाय थी जो खुशी से भरी हुई थी. एंड जॉय अ शॉर्ट वाइल अगो, थोड़ी देर पहले खुशी से भरी हुई थी. नाउ द काउ हैड लॉस्ट हर चार्म, अब गाय ने अपना आकर्षण खो दिया था. स्टेयरिंग इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में घूर करके देख रही थी. तो घूर करके देख रही थी एक दिशा में. लेग स्प्रेडिंग इन ईच ऑल डायरेक्शंस, और हर एक डायरेक्शन में उसकी टांगे फैली हुई थी. तो शी, क्या हुआ था कि शी गॉट डिवोस्टेड, वो तहस नहस हो गई थी. द मीनिंग ऑफ डिवोस्टेड, तहस नहस होना. एज टू हाउ समथिंग दैट वॉज फुल ऑफ लाइफ, मतलब आप जानते हैं कि किस तरीके से कोई भी चीज जो जिंदगी से भरी हुई थी, एट वन मोमेंट, एक पल, कैन टर्न इनटू समथिंग हॉरिबल, डरावनी में चेंज हो गई थी. वो गाय तहस नहस हो गई थी. और समथिंग हॉरिबल, जस्ट अ ब्लिंक ऑफ आई, जिस तरीके से पलक झपकते कोई घटना हो जाती है, वो जिंदगी बदल गई. योर नेक्स्ट चैप्टर इज द सर्मन एट बनारस, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. यह भी बढ़िया है. किसा गौतमी वॉज बींग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, किसा गौतमी अपनी तकलीफ में बहुत ही स्वार्थी हो गई थी. What did Buddha ask her to understand? Buddha ने उसे क्या समझने के लिए कहा? Why did Kisa Gautami understand second time? Sorry, what did? क्या समझ गई Kisa Gautami second time? उसके कौन सी बात समझ में आ गई? Kisa Gautami wanted the medicine to make her dead son alive. Kisa Gautami चाहती थी अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करना. Kisa Gautami was too overwhelmed with sorrow. वो तकलीफ से इतना भर गई थी, विभूत हो गई थी, एंड पेन और दर्द से, दैट हर एबिलिटी टू थिंक क्लियर गॉट क्लाउडेड, कि उसकी सोचने की जो योग्यता थी उस पे बादल छा गए थे. मतलब शी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ भी समझने में असमर्थ थी. बिकॉज शी लॉस्ट हर सन, क्योंकि उसने अपना बेटा खो दिया था. गौतम बुद्धा आस्क टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स, गौतम बुद्धा ने उसे कहा कि मस्टर्ड के सीड लेके आए, सरसों के बीज लेकर के आए. From a house, लेकिन एक ऐसे घर से, where no one had died, कि जहां पर कोई ना मरा हो. Being failed to get seed, seed को पाने में fail हो गई वो. She sat down watching the lights, वो lights को देखते हुए बैठ गई, flickering, जो टिमटिमा रही थी. And extinguished at last, और आखिर में बुझ गई. After after reflection, sorry, reflection लिख गया, it is reflection. After reflection, सोचने के बाद, she realized, उसने एहसास किया, that death is common to all.
मृत्यु सबके लिए कॉमन है एंड शी हैड बीन सेल्फिश इन हर ग्रीफ, और वो अपनी तकलीफ में बहुत ज्यादा सेल्फिश रह चुकी थी। द मैन्स फेट वॉज जस्ट लाइक द सिटी लाइट्स, इंसान का भाग्य शहर की लाइटों के समान है। दैट फ्लिकर्ड, जो चमकती हैं, टिमटिमाती हैं, एंड एक्सटिंग्विश्ड रिपीटेडली, और रिपीट करते हुए बुझ जाती हैं। इसी तरीके से हमारी जिंदगी है, लाइफ का साइकिल है कि चमटिमटिमाती है जिंदगी, रोशनी देती है और एक पल में बुझ जाती है। नो वन कैन एस्केप द साइकिल ऑफ डेथ, मौत के साइकिल से कोई नहीं बच सकता। वन हु वॉज बॉर्न, एक आदमी जो पैदा हुआ है, मस्ट रेस्ट इटर्निटी इटर्नली, वो बाह्यता में, मतलब एक ना एक दिन आराम करेगा। इस मिट्टी में पैदा हुआ है और मिट्टी में एक ना एक दिन मिल जाएगा और आराम करता रहेगा। मतलब इट वॉज अ मैसेज ऑफ दिस चैप्टर एंड किसा गौतमी अंडरस्टूड इट, किसा गौतमी ने इस बात को समझ लिया था। योर लास्ट चैप्टर इज दैट इज प्रपोजल, प्रपोजल तो सुना है ना। तो क्वेश्चन, टू क्वेरल्स बिटवीन लोमोव एंड नाटालिया, लोमो और नाटालिया के बारे में दो झगड़े क्या थे, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन और भी है, कवर किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके झगड़ों की वजह क्या थी, आज हम उस पर चलते हैं। ठीक है, तो लोमो वॉज सफरिंग फ्रॉम पल्पिटेशन, लोमो किस चीज से सफर करता था, पल्पिटेशन, उसका दिल धड़कने लगता था, वीकनेस, कमजोरी थी, डिप्रेशन था, उदासी थी, क्योंकि इतना बड़ा हो गया था, 35 के अराउंड हो गया था और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, तो बेचारा परेशान था। हिज लिम्स, उसके अंग जो थे बिकेम नम, ठंडे पड़ जाते थे, एंड हर्ट हर्ट एंड हिज हार्ट बिगेन टू पल्पिटेट, और उसका दिल धड़कने लगता था ऑन बीइंग एक्साइटेड, अगर उसे एक्साइट किया जाता था, गुस्सा दिलाया जाता था, तो दिल उसका धड़कने लगता था, दिल धड़कने लगता था। फर्स्ट क्वेरल वॉज अबाउट ऑक्स एंड मीडोस, अब हम क्वेरल की बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेरल ऑक्स एंड मीडोस के बारे में था। लोमोव हैड पेपर्स ऑफ द ऑक्स एंड मीडोस, आपको बता दें कि लोमोव के पास ऑक्स एंड मीडोस के पेपर थे, ऑक्स एंड मीडोस मतलब वो चरागाह के स्थान, ठीक है ना, तो उसके पेपर थे विच वर बिटवीन बर्ट मार्शेस एंड बर्च वुड। अभी क्वेश्चन आता है कि वेयर वर द ऑक्स एंड मीडोस, द ऑक्स एंड मीडोस वर बिटवीन बर्ट मार्शेस एंड बर्च वुड, जो बर्च के जंगल थे और जले हुए मार्शेस थे, मार्शेस दलदल, उनके बीच में और बर्च के जंगलों के बीच में। द ऑक्स एंड मीडोस वर गिव द प्रपोजल, प्रपोजल किसी के सामने किसी बात के लिए आग्रह करना या प्रपोज करना, तो आपका प्रपोजल होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टू क्वेरल्स बिटवीन लोमोव एंड नाटालिया, लोमो और नाटालिया के बीच में दो झगड़े। द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन लोमो विजिट्स टू नाटालिया'स हाउस फॉर मैरिज प्रपोजल, जब उसकी मैरिज प्रपोजल के लिए उसके घर पर विजिट करता है, एंड ही टेल्स हिज फादर अबाउट हिज प्रपोजल एंड ही वॉज ओवरजॉयड, उनका दिल बाग बाग हो जाता है कि कोई तो उनकी लड़की के लिए रिश्ता लेके आया, क्योंकि जिस घर में लड़कियां लड़ाकू होती हैं वहां पर रिश्ते थोड़े कम आते हैं, क्योंकि लोगों को भी डर लगता है कि यहां तो लड़ाकू है, बाद में तुड़ाकू ना हो जाए मारे पीट पीट के। तो लोमो वॉज सफरिंग फ्रॉम पल्पिटेशन, लोमो जो था पल्पिटेशन, उसका दिल धड़कने लगता था छोटी छोटी बात पे। ही वॉज 35 ईयर्स ओल्ड, 35 साल का पहले भी हो चुका था, एंड इट वॉज अ क्रिटिकल एज फॉर मैरिज, मैरिज के लिए क्रिटिकल एज होती है। अब भाई 35 के बाद शादी करने का कोई मतलब थोड़ी रहता है, तो ये बीमारियां तो नेचुरली हो जाना है। दिल धड़कता था, वीकनेस, उसे कमजोरी भी थी, डिप्रेशन भी था, बेचारा डिप्रेशन में रहता था। हिज लिम्स बिकेम नम, और उसके अंग जो है वो नम पड़ जाते थे, ठंडे पड़ जाते थे, एंड हिज हार्ट बिगेन टू पल्पिटेट ऑन बीइंग एक्साइटेड, और एक्साइटेड होने पर उसका दिल धड़कने लगता था, जब उसे कोई उत्साहित कर देता था, किसी बात के लिए गुस्सा दिला देता था, तो उसका दिल धड़कने लगता था। तो द फर्स्ट क्वेरल वॉज अबाउट ऑक्स एंड मीडोस, पहला क्वेरल ऑक्स एंड मीडोस का था। बोथ ऑफ द पार्टीज क्लेम्ड दैट ऑक्स एंड मीडोस वर देयर्स, दोनों पार्टी इस बात का क्लेम करती थी कि ऑक्स एंड मीडोस उनके हैं, नाटालिया के घर वाले कहते थे और नाटालिया कहती थी कि हमारे हैं, वहीं पर लोमो कहता था कि हमारे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है अभी पता करते हैं। द फर्स्ट क्वेरल वॉज अबाउट ऑक्स एंड मीडोस, तो लोमो हैड द पेपर ऑफ ऑक्स एंड मीडोस,
लोमोब के पास ऑक्सन मिडोस के पेपर थे। मुझे तो लगता भाई जिसके पास पेपर है वही ऑथेंटिक ऑनर है, तो इसका मतलब लोमोब ही ऑनर था। विच वर बिटवीन बर्ंट मार्शेस एंड बर्ड्सवुड, और ये जो आपके ऑक्सन मिडोस थे, मिडोस क्या होते हैं चरागा, जो जानवर चराने के स्थान होते हैं, ये बर्ंट मार्शेस जले हुए दलदलों के बीच में, और बर्ड्सवुड, बर्ड्स इज अ काइंड ऑफ ट्री, एक पेड़ होता है, तो उसके जंगलों के बीच में ये आपके ऑक्सन मिडोस हुआ करते थे। द ऑक्सन मिडोस वर गिवन बाई द ग्रैंड मदर ऑफ लोमोब सन, लोमोब की चाची की दादी ने, ठीक, टू द पीजेंट्स ऑफ चुबुकोब स्वादर, चुबुकोब के पापा के, चुबुकोब के पापा के किसानों को दिए थे फ्री यूज के लिए। समझ गए किसने किसे दिए थे? लोमोब की चाची की दादी ने चुबुकोब के दादा के किसानों को, चुबुकोब के दादा के किसानों को दिए थे। द पीजेंट यूज टू बेक ब्रिक्स, इसके बदले में वो ईंटें पाथा करते थे फॉर द ग्रैंड मदर ऑफ लोमोब सन, लोमोब की चाची की दादी के लिए, किसके लिए? लोमोब की चाची की दादी के लिए ईंटें पाथ के दिया करते थे, तो वो यूज करते रहे। लेकिन किसान जो थे वो चुबुकोब के थे, नाटालिया के पापा के दादा के थे, तो वो ये मानने लगे थे कि ऑक्सन मिडोस उनके हैं। तो इसी पे झगड़ा हो जाता है, फिर से दिल धड़कने लगता है, और जब पता चलता है कि शादी करने आए हैं तो नाटालिया कहती कोई नहीं, ले जाओ, मतलब ऑक्सन मिडोस ले जाओ तुम्हारे, क्योंकि रहना तो एक ही के हैं, जब दोनों की शादी हो जाएगी। सेकेंड क्वेरल हैपेंड बिकॉज ऑफ द डॉग्स, दूसरा जो झगड़ा होता है वो कुत्तों की वजह से होता है। लोमोब है डॉग्स नेम्ड गेस, लोमोब का जो कुत्ता था उसका नाम गेस था, वर्थ ऑफ 125 रूबल्स, जो 125 रूबल का उसने खरीदा था, रूबल इज अ करेंसी, ओके। नाटालिया कंसीडर्ड गेस एज चीप, नाटालिया जो है वो गेस को बड़ा सस्ता बताती थी, लंगड़ा बताती थी, बूढ़ा बताती थी, किसे? नाटालिया मानती थी कि गेस जो है वो लोमोब का डॉग था, ठीक है। लेकिन अब कोई किसी के कुत्ते की बुराई तो सहन नहीं कर सकता अपनी, तो लोमोब को बड़ा बुरा लगा कि भाई हमारे कुत्ते गेस को ये सस्ता लंगड़ा और बुढ़ा बता रही है। चुबुकोब कॉल्ड हिज प्योर ब्रीड, चुबुकोब से पूछा गया कि भाई आपको कैसा लगा, तो कहने लगे बहुत अच्छी ब्रीड का है, फॉर्म ऑन हिज लेग्स फीट, अपने पैरों के ऊपर फॉर्म मजबूती से खड़ा होता है, एंड वॉज वेल स्प्रंग रिब्स, और अच्छी उभरी हुई उसकी पसलियां हैं, बट ओल्ड लेकिन बूढ़ा है, एंड शॉर्ट मसल्ड, मतलब उन्होंने तारीफ भी करी और साथ में बुराई भी कर दी कि बूढ़ा और उसका जो थूथन है वो छोटा है। लोमोब सेड, लोमोब को भी व्हाट हैपेंड, लोमोब सेड, लोमोब ने कहा कि स्क्वीजर बिलोंग टू पेडिग्री, मतलब वो पेडिगरी वंशागत, मतलब वंशागत जाति का है, पेडिगरी जाति का है, बट ही इज अ बैड हंटर, लेकिन बुरा शिकारी है, बिकॉज ऑफ ओवरशूटिंग, अपनी ओवरशूटिंग की वजह से, क्योंकि जब वो शिकार पर जंप मारा करता था तो आगे कूद के चला जाता था। भाई जब शिकार को पकड़ना है, रैबिट वगैरह को, तो रैबिट में ही तो छलांग मारना है, और ये सांप क्या थे कि आगे की तरफ छलांग मारा करते थे, लेकिन नाटालिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसके कुत्ते की कोई बुराई करे। तो ही इज लोअर जा इज शॉर्टर देन अपर जा, उसके ऊपर वाले जबड़े से नीचे वाला जबड़ा छोटा था। क्या फर्क पड़ता ऊंचे वाले जबड़े से नीचे वाला जबड़ा छोटा हो, लेकिन यहां फर्क पड़ता था, और दोनों लड़ने लगते हैं। फिर से आखिर में उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब लड़ाई के साथ अपने परिवार की शुरुआत कर रहे होंगे, ऐसा स्टोरी में बताया।